पार्टी, ये इनकी क्लोजनर चेक किया, आई विल कॉल यू अ चाइनीज एजेंट एट ऑल। बैठ जा गवार, बैठ बैठ गवार, बैठ बैठ मर्जी डॉक्टर, घर पे जा गवार, बैठ गवार, बैठ। आप भी जयचंद हो, आप भी जयचंद हो, आप भी नकली हो, आप भी जयचंद हो। और एक ही सैंपल है पूरे देश में, और उस सैंपल में त्रुटि है, और वो सैंपल का काम है सुबह उठ के ट्वीट कर देना, एक वीडियो डाल देना, कुछ काम न करना और इसी प्रकार की त्रुटियां करना। हम रोज मेनस्ट्रीम मीडिया में किसी न किसी मुद्दे पर डिबेट देखते हैं। आजकल की डिबेट तो कई बार मर्यादा की सारी हदें पार कर देती हैं। आजकल की डिबेट्स में अप शब्दों का इस्तेमाल और धमकी देना मानो आम ही हो गया है। इसका हमारे समाज में क्या असर जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम आज बात करेंगे बीजेपी के नेता संबित पात्रा की। हम संबित की उन डिबेटों का जिक्र करेंगे जिसमें संबित ने मर्यादा लांघी हो। इंडिया टुडे पर चाइना को लेकर सरकार के रवैये पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर राजदीप सरदेसाई ने संबित पात्रा से कुछ सवाल किए। संबित जब जवाब देने लगे तब पवन खेरा ने बीच में सवाल पूछा, जिसके बाद संबित ने एंकर को रोकने को कहा और धमकी भी दी। I am asked a direct question. The Prime Minister of the country, as the leader of the opposition, Pawan Kheda, please. This is biased anchoring. If you don't allow me to speak. What do you mean by biased anchoring? I'm asking you a question. I've switched off his mic. Come on now. Yes, thank you. Thank you that you switched off his mic. 30 seconds you have. आज तक पर बेंगलोर में हुई हिंसा के मुद्दे पर डिबेट में एंकर ने संबित पात्रा को बोलने को कहा। इस डिबेट में संबित जवाब देते देते गुस्से भरे लहजे में आए और कुछ अपशब्द बोल गए। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है, टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहे और कहो किसने घर चलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर चलाया है। अरे भैया जय चंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है कि कोई, मैं जवाब दे रहा हूं, विधायक का भैया राइट विंग ने घर चलाया है कि नहीं, किस प्रकार से आगजनी करते होंगे अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए। मैंने कहा था अल्लाह के इस्लाम से नहीं मुल्ला के इस्लाम से लड़ना है और ये मुल्ला बैठा हुआ है यहाँ पर। और मैं दूसरी बात, ये नैरेटिव इस देश में कुछ सेक्युलरिस्टों ने सेट किया है, याद करिए ये मुल्ला शाहीन बाग का मुल्ला है और शाहीन बाग में एक नैरेटिव बना था कि शाहीन बाग के लोगों ने देखिए कितने पीसफुल है, इन्होंने एक हिंदू शव यात्रा के लिए रास्ता छोड़ दिया। अरे भैया सड़क क्या तुम्हारे बाप का था। फेसबुक के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने अपना पक्ष रखने को कहा। जब संबित पात्रा देने लगे अपना पक्ष तो रोहन गुप्ता ने बीच में कुछ बोला, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई और संबित ने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने बेंगलुरु में देखा इन्हीं के एक दलित विधायक के घर को किन लोगों ने जला दिया, देखो फिर मैंने फिर इन्होंने बीच में बोला, आपने कुछ रूल बनाया हुआ था, पहले इसको चुप रहने बोलो अमीश भाई। और एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर अगली बार से ये मुझे तुम बोलेगा तो मैं इसे तू बोला करूंगा। आप बोलना सीखे पहले, इतने बदतमीज गवारों को। तू चुप रह, तू चुपचाप बैठ जा गवार बैठ फर्जी डॉक्टर। देखिए अमीश भाई गवारों को मत बुलाया, राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होकर दब्बा है यहां पे, इस प्रकार के गवारों को मत बुलाया करें, फर्जी डॉक्टर है, इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। देखिए इस तरह की बातें हम क्या किया, कितने मरीज, आप पहले 2 मिनट 10 सेकंड बोले, संबित पात्रा नहीं बने, क्या तरीका। मैं बता रहा हूं तुम जयचंद हो और तुम गद्दार हो, तुम लोग हिंदू धर्म के हितैषी नहीं, तुम लोग हिंदू धर्म को बेचने वाले लोग हो, माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा और महादेव के साथ धोखा करने वाले लोग तुम हो, तुम हो। जी न्यूज पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले के भाषण के बाद डिबेट हुई। इस डिबेट में विपक्षी नेता ने संबित पात्रा पर उंगली उठानी शुरू की, जिसके बाद संबित ने उनके बीच में बोलना शुरू कर दिया और कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया। चुपचाप बैठो, आप यहाँ मत चिल्लाओ, अभी आप देख लो, आपने बोला मर्डर हुआ है, आपने बोला मर्डर हुआ है, आपने पोस्टमार्टम
रिपोर्ट दिखाना है दिखाओ जिम्मेदारी अभी दिखा पोस्टमार्टम करते हैं सर की आवाज को बंद किया जाए ये चिल्लाना बंद किया जाए सर आप उसे कहते हैं कि वो आप भी जयचंद हो आपको आप भी जयचंद हो आपकी बात भी मैं नकली हो आप भी जयचंद हो आपके नाम मैं आपको भी जयचंद बोल रहा हूं आपको भी जयचंद बोल रहा हूं सौरभ जयचंद आप जो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं आप भी जयचंद है इससे बैठ जाओ ये थोड़ी तहजीब नहीं नहीं अब देखिए वो अब मैं इसलिए आप जो बात कर रहे हैं आप खुद वो कर रहे हैं फिर आप जो बात कर रहे हैं आप वो खुद कर रहे हैं घनश्याम आप जो मुद्दा उठा रहे हैं आप वो खुद कर रहे हैं अजीब सिखाएंगे घनश्याम आप वो खुद कर रहे हैं बीच में दो कांटा की चिकन चिल्ली क्यों नहीं सुनना पड़ेगा प्लीज रिक्वेस्ट आराम सर एक मिनट अब मुद्दे से निपटने का हो गया समय आज तक पर कोरोना के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने संबित से सवाल पूछा जिस पर संबित ने गौरव वल्लभ के जवाब को कोट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनका मजाक भी उड़ाया। देखिए मैं इनकी बात से सहमत हूँ सैंपल में त्रुटि है और एक ही सैंपल है पूरे देश में और उस सैंपल में त्रुटि है और वो सैंपल का काम है सुबह उठ के ट्वीट कर देना एक वीडियो डाल देना कुछ काम ना करना और इसी प्रकार की त्रुटियां करना। देखिए मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कांग्रेस पार्टी के विधायक एक होटल में बैठ करके कहते हैं कि आज हमने पिज्जा बनाना सीख लिया आज हमने पास्ता बनाना सीख लिया सुबह हमने मुगले आजम देखा था शाम को अब हम लगान देखेंगे इनकी इनके जो नायक हैं जो सैंपल है ये सैंपल त्रुटि ढूंढते फिर रहा है। पहले अपने विधायकों को पहले अपने तथाकथित कोट अनकोट नायक आपके जो नायक है वहां चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर उनको कहिए कि वो कंट्रोल करें ये पिज्जा पास्ता बनाना बंद कर दे। इनके बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से टिप्पणियां की है राम मंदिर को लेकर कोरोना के साथ जोड़ा है और कहा है कि अमित शाह इत्यादि इसलिए पॉजिटिव हुए हैं क्योंकि ये मुहूर्त और मुहूर्त का खेल है। वैसे तो संबित डिबेट में कॉमन एंगल ले ही आते हैं जिसके बाद डिबेट का मुद्दा मेन मुद्दे से भटक जाता है। ज्यादातर गोदी मीडिया के एंकर भी संबित को रोकने के बजाय विपक्ष को ही टोकते नजर आते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि डिबेट में अब शब्दों का इस्तेमाल ना हो ना ही हिंदू मुस्लिम जैसे कम्युनल मुद्दे पर डिबेट हो डिबेट जनता के मुद्दे पर हो जिसमें सरकार से असल सवाल हो। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।